नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे जो हमारे किचन में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और जिससे हम बहुत सारे प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उससे बहुत सारे फूल पा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है तेज पत्ता जो हमारे किचन के मसालों में यूज़ होता है और इसको मैंने क्या किया है, बॉयल करके पानी इसमें इसको डाल दिया है और इसको लगभग एक घंटे मैंने रख दिया था ढक के। तब पानी अगर नॉर्मल हो गया तो इसको मैंने अब इसमें निकाल करके इसको छान लेंगे। तो ये पहला हो गया कि आप इसको डायरेक्ट दे सकते हो, जैसे मैंने इसको इसमें निकाल लिया है और फिर मैं जैसे मेरे पास ये है, ये वाले फ्लावरिंग प्लांट है, इसको मैं मतलब दे रही हूँ। ये आपको 15 दिन में एक बार देना है। और सेकेंड, आप जो है इसका जो है, आप जैसे इसमें हैं तो इसमें आप पाउडर बना करके मिक्सी में और उसको मिट्टी में गुड़ाई करके और डाल स्प्रिंकल कर लीजिए और थोड़ी के लिए ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए ताकि वो हवा से उड़े ना, एक मतलब एकदम अच्छे से वो तो ये दोनों ही फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे हैं। मतलब आप इसको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो और ऐसे लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। और इसको 15 दिन में एक बार जाना है। ये इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है जो आपको कहीं भी जाना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, आपके किचन में हमेशा रहता है। तो आप ज़रूर इसको यूज़ करें अपने फ्लावरिंग प्लांट पे और इसका रिज़ल्ट देखें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।